आज हम ले के आए अंडा कड़ी। आज हम लोग अंडा को बॉयल कर दिए हैं और अंडा को हम लोग देखिए तेल में इसको भून रहे हैं। भुनने के बाद इसको हम लोग तरी बनाएंगे। देखिए मसाला भी हम लोग भुना गया है, पूरा अच्छी तरह से हम लोग भून लिए हैं और उसके बाद इसे हल्का सा पानी डाल दिए हैं। अभी पूरा अंडा पूरा कड़ी हो जाएगा, पूरा भून जाएगा, उसके बाद हम लोग अंडा कड़ी भी बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको अंडा को बॉयल कर लिए हैं। बॉयल करने के बाद उसको ऊपर का छिलका को हम लोग हटा लिए हैं। हटाने के बाद हम लोग इसको तेल में इसको ये फ्राई कर रहे हैं और उस फ्राई करने के बाद इसको निकालने के बाद हम लोग तरी देखिए मसाला के साथ हम लोग इसको तरी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों हम लोग बता रहे हैं आप लोग, हम लोग जो मसाला हम लोग बनाए हैं उसमें अदरक लहसुन धनिया आदि और मिर्चा इस सब का प्रयोग किए हैं और अभी हल्दी और नमक और जीरा इसको हम लोग पूरा अच्छी तरह से पीस लिए हैं। पीसने के बाद इसको हम लोग डाल दिए हैं और हम लोग मसाला को अच्छी तरह से हम लोग भून लिए हैं। अब भूनने के बाद हम लोग पहले इससे सरसों का तेल डालें, प्याज डालें, उसके बाद ये प्याज अच्छी तरह से भून लिया, उसके बाद हम लोग मसाला डाल कर अच्छी तरह से भून लिए। भूनने के बाद हम लोग थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं तरी बनाने के लिए और उसके बाद हम लोग देखिए अंडा को पूरा अच्छी तरह से हम लोग पूरा देखिए पूरा कलर हम लोग का कैसा हो गया है, अच्छी तरह से हम लोग भून ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसको अंडा करी बनाएंगे। देखिए मसाला भी हम लोग का किस टाइप का हो रहा है, पूरा बन गया है मसाला, पूरा हम लोग अच्छी तरह भून लिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पानी डाल दिए इसमें, तब तक अंडा पूरा बन ना जाए। देखिए अंडा का पूरा कलर इसका चेंज हो जाता है, उससे अच्छी तरह से पकने से खाने में ही मज़ेदार और टेस्टी लगता है, इसीलिए आप अच्छी तरह से अंडा को अच्छी तरह। हाँ एक चीज़ और बता रहे हैं, आप लोग अंडा कभी भी ऐसे कीजिएगा तो अंडा को चारों तरफ से छेद कर लीजिएगा। अगर आप छेद नहीं कीजिएगा तो ये तेल जो छिटकेगा बहुत ज़्यादा ही इसको ब्लास्टिक बम जैसा करता है, इसीलिए इसको पूरा अच्छी तरह से छेद कर लीजिएगा चारों तरफ हर अंडा को कीजिएगा और थोड़ा दूरी बना के ही भूनिएगा। देख रहे आवाज़ कर रहा है, वैसे ही आवाज़ करता है, जो तेल का छीटा होता है वो आपके ऊपर पड़ेगा तो उससे गंभीर चोट लग सकती है, इसीलिए आप दूरी बना के ही बनाएं। और अंडा हर अंडा को चाकू की सहायता या चम्मच की सहायता किसी की सहायता से हर अंडा को छेद करें। देखिए दोस्तों हम लोग का अंडा पूरा कलर चेंज हो गया है, देखिए अब हम लोग आप अंडा पूरा कलर चेंज हो गया। अब इसको हम लोग निकाल के हम मसाला डालेंगे इसके सहायता से अच्छी तरह से हम लोग उठा लेते हैं। उसके बाद तेल पूरा अच्छी तरह से निकल रहा है, इसको हम लोग देखिए कढ़ाई में डाल दे रहे हैं इस तरह से आप सहायता से आप इसको डाल दीजिए। अब देखिए कुछ भी हम लोग का बचा हुआ है इसको भी हम लोग डाल देते हैं और गैस को हम लोग ऑफ कर देते हैं। अच्छी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, देखिए देखिए हम लोग निकाल रहे हैं, देखिए हम लोग निकाल चुके हैं सारा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा चला लेते हैं, देखिए हम लोग कड़ी मसाला पहले तो हम लोग भुना हुआ था, अब हम लोग अंडा कड़ी बनने में पूरा तैयार हो जाएगा। 5 मिनट इसको बस इसको 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट आप लोग अंडा कड़ी तैयार देख सकते हैं। अंडा कड़ी कितना टेस्टी है, कितने मज़ेदार बना है, आप लोग घर में हमेशा बनाएं अंडा कड़ी। देखिए दोस्तों हम लोग अंडा कड़ी बन के हम लोग तैयार हो गया है। देखिए आप जैसा चाहे वैसा आप तरी रख सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा गड्ढा खाने का, देख गड्ढा बन गया, थोड़ा सा पानी से ऐड कर सकते हैं और हम लोग का लास्ट का समय है इसीलिए हम लोग थोड़ा सा मीट मसाला का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग जो लास्ट इंग्रेडिएंट है और उसमें हम लोग धनिया भी डालेंगे। पहले हम लोग धनिया काट लेते हैं उसके बाद डालते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों हम लोग धनिया को काट लिए हैं, देखिए धनिया को हम लोग डाल देते हैं, हम लोग धो के रखे हुए हैं धनिया को, हम लोग इस तरह से डाल देते हैं कि तैयार हो गया हम लोग का अंडा कड़ी। इसमें हम लोग मीट मसाला ऐड कर देते हैं, देखिए हम लोग थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, मीट मसाला हम लोग डाल दिए हैं। अब इसको हम लोग अच्छी तरह से चला लेते हैं चारों तरफ से।
इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं। हमें देखिए हम लोग अंडा कड़ी तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय। हम लोग नया नया कंटेंट लाते रहेंगे, आप लोग को पसंद ज़रूर आएगा। हम लोग कोशिश करते रहते हैं आप लोग को पसंद आए अंडा कड़ी। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बाय बाय।